हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात बहुत ही दर्दनीय है, बहुत ही दयनीय है। ऐसा युवा को साथ किया जाएगा, हमने इस सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आप जानते ही होंगे कि कल युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी मुख्यमंत्री से मिलने गए, लेकिन उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अनिल सिंह जी अंदर आएंगे तो उनसे सवाल जवाब करेंगे और उनको बाहर ही रोक दिया गया। धरना जारी है, अनिल सिंह जी कोशिश यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात हो और हम अपनी बातों को उनके सामने रखें। देखिए दोस्तों, आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के हाल हैं, वो आपसे छिपे हुए नहीं है। आज का युवा अपने राज्य में कम दूसरे राज्य में भर्ती देख रहा है, खासकर बिहार में, क्योंकि वहां पर जो भर्ती निकलती है वो अच्छे पदों पर वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का यूं हाल है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है बहुत है और वैकेंसी नाम मात्र बराबर है। आप जानते होंगे कि पहले जो भर्तियां आई थी 2021 में, और उस समय जब चुनाव था, तो उस भर्ती को लगभग 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दिया गया। अब आप इनसे यह सवाल पूछें कि ऐसा क्या हुआ जो 6 महीनों में ही इन्होंने भर्ती कंप्लीट कर दी, और यहां पर पूरे 2 से 3 साल बीत चुके हैं, टीजीटी और पीजीटी का इन लोगों के द्वारा एग्जाम ही नहीं कराया। सच बात तो यह है कि जब चुनाव का दौर होता है तो भर्तियों में चौथा गेयर गिर जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि ये भर्ती नहीं कराएंगे तो वे नहीं जीतने वाले। तो 2021 में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दी, और फिर उसके बाद हमारे सीएम बने योगी आदित्यनाथ। साल 2027 में मेरे हिसाब से फिर से चुनाव है, आप देखना, फिर से आपको भर्तियों में तेजी देखने को मिलेगी। अब तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस समय पर तुम देखना, भर्तियां तेजी पकड़ेंगी। फिलहाल युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी का जो प्रयास वो जारी है, 7 तारीख के बाद एक धरना शुरू होगा जो कि अपने मुद्दों को लेकर के होगा, जैसे टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी सेकंड लिस्ट और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो युवाओं युवाओं के हित में हैं, तो उन पर बातें रखी जाएंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलने की जो कवायद है वो चल रही है, और जैसे ही मुख्यमंत्री से मिलने मुलाकात होती है, ये मान के चलो हम अपना जो प्रयास है शुरू कर देंगे। और जैसे कोई यदि इंफॉर्मेशन मिलती है अनिल सिंह जी द्वारा, मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है, आई होप ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।